देर न करो, आधा घंटे का टाइम है। हिम्मत करो, एक ही बार ऐसी हिम्मत करो कि माया रावण फिर हिम्मत न करे मुकाबला करने की। माया माने क्या? संस्कृत में मां का अर्थ होता है नहीं, और आया माने आया, माया माने ना आई होती तो अच्छा था, लेकिन बुलाया किसने? 63 जन्मों में किसने बुलाया है? बाप को छोड़ा और माया को बुलाया। ऐसे तो नहीं है कि 63 जन्मों में मनुष्य सृष्टि का बाप होता ही नहीं है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को परमात्मा परमपिता भी स्वीकार कर लेता है, पढ़ाई पढ़ाने के लिए, वर्षा देने के लिए, उसको टाइटल भी दे देते हैं। बाप का टाइटल बच्चे को मिल जाता है, इसलिए कहते हैं इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा है। तो ऐसे तो नहीं है कि सत्युग त्रेता में नहीं होता या द्वापर कलयुग में नहीं होता, होता तो है। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, तो भूल जाने के कारण ठुकराई देते हैं और कमजोर आत्माओं का आसरा ले लेते हैं। जो कमजोरी है वो फिर प्रवेश कर जाती है संघ के रंग से। वो 63 जन्म जो कमजोरी धारण की है, वो ही आत्मा स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, बच्चों के रूप में, कोई पदार्थ के रूप में सामना करने के लिए आ जाती है। उनमें बुद्धि भटक जाती है, बाप से बुद्धि टूट जाती है। अब माया से प्रीति जोड़ी है 63 जन्म में, तो जिससे प्रीति जुट जाती है एक बार, वो ऐसे सहज छोड़ देता है क्या? छोड़ देता है? हैं? नहीं, वो तो बार बार आके पकड़ेगा, ए कहां जा रहे। तो हिम्मत करो कि वो दोबारा ना आए। वो बार बार पीछे पड़ती है माया रावण, तो दिल कुलबुलाया जाती है कि अरे हाँ, फिर चंबे में आ जाते हैं। और बाबा रामायण में आया है कि मास राम के जन्म के समय मास दिवस का दिवस भाव मरण में जाने को अगर समुद्र था तो निशा कौन भी थे, इसका बेहद में अर्थ है। आप पहले हद में इसका अर्थ समझाओ लोगों को, तो हम बेहद में बताएं। हाँ बोलो। ऐसे तो आप एक एक चौपाई उठाते जाएंगे और धड़ाधड़ पूछते जाएंगे, इसलिए आप हद का अर्थ पहले आप बताओ, थोड़ा तो चक्कर ही में आओ। हद का अर्थ बाबा तो यही होगा कि उस समय इतनी खुशी हुई कि रात और दिन अरे दिन किसको कहा जाता है? कल तो मुरली में समझाया था, कल ही तो बताया था दिन किसको कहा जाता है। ज्ञान का दिन है और अज्ञान की रात है।
जब ज्ञान का दिन बुद्धि में बैठ जाता है तो खुशी खुशी चढ़ेगी ना, क्योंकि ज्ञान सूर्य बाप के संपर्क में आ गए, संबंध में आ गए। तो जहां खुशी हो जाती है वहां खुशी का टाइम लंबा हो जाता है। है तो दुख का भी ऐसे ही, आदमी को दुख पड़ता है तो दुख का टाइम लंबा हो जाता है। और बाबा सदा टाइम जो शिव बाबा को बताया गया है सदा टाइम सृष्टि पर शिव बाबा को, हाँ वो शिव तो अलग हो जाता है तो शिव बाबा, शिव नहीं कहा बाबा, शिव बाबा इसलिए कहा कि शिव और शंकर की जोड़ी है। कहाँ? शिव पार्वती की जोड़ी है या शिव शंकर की जोड़ी है? शिव को किसके साथ मिलाया जाता है? हैं? शंकर के साथ मिलाया जाता है, पार्वती के साथ तो नहीं मिलाया। शंकर पार्वती कहते हैं, शिव पार्वती तो नहीं कहते। अगर कहें भी तो पार्वती का अर्थ है पार लगाने वाला, तो शिव के कार्य को भी पार लगाने वाला पहला कौन? जो शिव उस मुकर्र रथ का आधार लेता है वो ही पहला है, जिसका आधार लेकर के शिव अपना कार्य पूरा कर लेता है, सारी दुनिया को पार लगाता है। इसलिए शिव जिसमें प्रवेश करता है पतित तन में, तो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि पहले पहले उस पतित तन को पावन बनावे, आप समान बनावे। सारी दुनिया को आप समान बनावेगा या सारी दुनिया की आत्माएं नंबरवार बनेंगी? हैं? नंबरवार बनेगी, तो पहला नंबर कोई तो बनेगा। कौन बनेगा? जिसका संग का रंग सबसे जास्ती हो वो ही बनेगा। तो शिव का प्रवेश जिस रथ में होता है उसको तो सहज हो जाता है याद करना, उससे जास्ती सहज किसी और को होगा क्या? नहीं हो सकता। तो सहज हो जाने के कारण वो याद भी निरंतर हो जाती है अंत समय में, पहले पहले। तो जो पहले पहले उस स्पॉट पर पहुंचता है जिसकी रेस है समान बनने की, तो वो शिव समान बन गया, सदाकाल के लिए या अल्पकाल के लिए? अल्पकाल के लिए, माने जब तक संगम है तब तक के लिए। विनाश शुरू हो जाएगा, शिव का कोई कार्य नहीं रहेगा। शिव का कार्य ज्ञान देने का है या विनाश करने का है? विनाश पवित्र आत्माएं करती है या अपवित्र आत्मा करती है? हैं? अपवित्र आत्मा विनाश करती है। जो दुनिया में सबसे जास्ती अपवित्र बनता है वो ही दुनिया के मनुष्यों के बीच में सबसे जास्ती पवित्र बनता है। तो सबसे जास्ती पवित्र बनता है तो टाइटल तो मिल जाता है। क्या टाइटल मिल जाता है? शिव समान, शिव शंकर एक हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक ही समझ लिया है। भक्ति मार्ग में अलग अलग समझते हैं कि एक समझते हैं? एक समझते हैं, लेकिन क्या वास्तव में एक हैं? पहले जन्म में सतयुग में जब पहुंचेंगे मुकर्र रथ वाली आत्मा तो क्या एक होगी? एक रस तो नहीं होगी, कुछ न कुछ नीचे गिरती कला में आते रहेंगे, लेकिन औरों के मुकाबले गिरती कला कम होगी या जास्ती होगी? हैं?
कम होगी। इस्लाम धर्म में जाने वाली जो बीज रूप आत्मा है वो तो विविचारिणी है स्वभाव संस्कार से ही, इसलिए द्वापर युग शुरू होते ही वो सबसे जास्ती पतित बन जाती है। ऊपर से आने वाला धर्म पिता इब्राहिम किसमें प्रवेश करेगा? जो सबसे जास्ती उस समय पतित होगा उसी में प्रवेश करेगा। ऐसे तो नहीं कि राम वाली आत्मा और राम के फॉलोअर्स में प्रवेश कर सके। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो अंत तक अपनी स्टेज को मेंटेन करके रखती हैं, इतनी जास्ती पतित नहीं बनती। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है और जो आदि सो अंत भी है। आदि में विष्णु, संगम युग में ऊंचते ऊंच पार्टी किसका है? शिव को छोड़ दो, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। शिव के बाद कौन सी आत्माएं हैं जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है? ऊंच से ऊंच बेस्ट लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे विष्णु, वहां से सृष्टि का आरंभ हुआ। पहला पत्ता कृष्ण, फिर राधा, फिर नंबर बार ढेर के ढेर। तो आदि जहां से हुआ वहां है विष्णु रूप, तो अंत में क्या होगा? है अंत में भी वही विष्णु होगा। इसलिए जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए कहा जाता है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। बाकी ऐसे नहीं है कि सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर सदा कायम है, नहीं, वो तो परम धाम वासी है। वो तो थोड़े समय के लिए भी इस सृष्टि पर आता है तो भी बुद्धियोग से ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? वो तो सदैव ही ऊपर का वासी है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, मन बुद्धि से वो कभी नीचे आता ही नहीं। उसका नाम ही है अच्युतम, च्युतम माने नीचे गिरना। उसका नीचे गिरने का स्वभाव है ही नहीं। और बाबा ये मन से खुशी गायब होता जा रहा है। चार अवस्थाओं से आत्मा पसार नहीं होती है शूटिंग पीरियड में, लेकिन फिर बाबा मिलते हैं। हैं? बाबा मिलते हैं तो खुशी नहीं आती है, फिर दौड़े दौड़े क्यों आते हैं? खुशी तो है लेकिन बाबा फिर गायब हो जाते, फिर गायब हो जाती है। अब ये तो ऐसे ही बात है कि कोई में छेद ज्यादा हो जाता है तो पानी जल्दी ढरक जाता है, कोई का छेद छोटा है तो पानी धीरे धीरे टपकता रहता है। छेद को इतना बड़ा बनाया किसने? बाबा ने बनाया। बाबा ने किसी के छेद को बड़ा बना दिया या छोटा बना दिया? ये बुद्ध रूपी घड़ा है ना, इसमें छेद हो जाता है, ये छेद हम खुद बनाते हैं। लेकिन बाबा जब आया हुआ है, आया हुआ है तो छेद भी तो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन आठ का बंद होता है कि नहीं? आठ का तो बंद होता है तो चाहिए ही वाली बात खत्म हो गई ना। ऐसे तो नहीं कि टीचर ने पढ़ाई नहीं पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई है तब तो फर्स्ट क्लास पास हुए। अगर सारे ही फेल हो जाएं तो कहेंगे टीचर अच्छा नहीं है। बाबा के ऊपर उंगली नहीं उठ सकती, शिव बाबा तो एक्यूरेट है। कोई बात हो गई नाचना आवे आंगन टेढ़ो, शिव बाबा ऐसो है। शिव बाबा छुमंतर काली क्यों नहीं कर देता?
का सोच में पड़ गए। मुझे भी बोला है कि श्री बाबा को एक बच्चा जाती और प्रजापिता को एक बच्चा कब करते। हाँ वो तो है, शिव बाबा का बाप है कि प्रजापिता शिव बाबा का बाप है, हैं? शिव बाबा प्रजापिता का बाप है और प्रजापिता शिव बाबा का बाप तो नहीं है। तो जो बाप है और बापों का बाप है उसको ज्यादा बच्चे होंगे या प्रजापिता को ज्यादा बच्चे होंगे? घर में ग्रैंडफादर होता है, घर में बाप होता है, बाप होता है ना, तो बाप को कम बच्चे होते हैं या बाबा को ज्यादा बच्चे होते हैं? बाबा को ज्यादा बच्चे होते हैं। तो शिव बाबा को एक बच्चा ज्यादा हुआ, प्रजापिता को एक बच्चा कम है, ये आत्मा रूपी बच्चे हैं। क्योंकि जो बाप है वो तो बाप ही रहेगा, वो बच्चा तो बनेगा नहीं। प्रजापिता के लिए शिव बाबा बच्चा बन जाएगा क्या? नहीं, वो तो बाप ही है। तो प्रजापिता का एक बच्चा कम, मानो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो प्रजापिता के बच्चे, उनमें शिव बाबा की गिनती नहीं आती है। क्योंकि प्रजापिता तो उन आत्माओं का बाप है जो जन्म मरण के चक्र में आती है। और शिव बाबा भी उन आत्माओं का बाप है जो जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन उन आत्माओं के बीच में एक आत्मा ऐसी है जो संगम युग में जन्म मरण के चक्र में है नहीं आती है। निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि को जन्म मरण का चक्र कहा जाता है। निश्चय बुद्धि माने जिंदा, अनिश्चय बुद्धि माने मर गया। और पोता मेल या पत्र कोई पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज सकते हैं? भेज, खुला हुआ ना भेज, तो 15 पैसे 50 पैसे के पत्र में भेज दो, सब पढ़ते रहे। कचरा फैलाया जाता है या छुपाया जाता है, गड्ढे में दबाया जाता है। एक बार वो पत्र वो पोस्ट ऑफिस में से टिकट लगाने के लिए पहुंचे तो वो ऑफिस में वो था एक बाबू, तो कह रहा ये कौन सा मेल है, अब तक ऐसा मेल नहीं देखा। हाँ वो भेजना नहीं चाह रहा था, अलग से चिपका करके भेजे। हाँ जी बाबा, बाप बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं। कौन सा बाप? यही तो बाबा जानना है कि राम बाप किसी बाप। बाप बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं, इसका मतलब वो एक बाप है जो अनेक बच्चों में प्रवेश करता है, और एक बाप ऐसा है जो अनेक में प्रवेश नहीं करता है, वो सिर्फ एक मुकर्रर अर्थ में प्रवेश करता है। इसलिए सर्वव्यापी का जो गायन है वो सुप्रीम सोल का नहीं हो सकता, भगवान सर्वव्यापी होता ही नहीं। हां जिसमें प्रवेश करता है वो जब बाप समान शिव समान बन जाता है तो 500-700 करोड़ सब को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मार्शल होता है सेना का, वो जब चाहे तब जिस वॉरियर को चाहे पूरा कंट्रोल में ले ले, ऐसी उसमें ताकत होती है। तो राम बाप की आत्मा प्रवेश कर सकती है, लेकिन तब तक नहीं जब तक संपूर्ण न बने। विनाश के टाइम पर
ये एटम बम बनाने वाले बड़े बड़े दिग्गज जो पड़े हुए हैं दुनिया में, जिनके हाथ में चाबी भी है, अमेरिका राष्ट्रपति अभी बंबई में आ रहा है, उसके हाथ में चाबी रहेगी एटमिक एनर्जी की, तो उसमें हिम्मत नहीं है कि वो चाबी को उपयोग करे। ये कमजोर आत्माएं हैं, बाप प्रवेश करेगा और उनकी बुद्धि को घुमा देगा और दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर ये भी नहीं कह सकते कि शंकर ने कहा कि तुम विनाश कराओ, कहा तो नहीं, सिर्फ प्रेरणा की बात है। और बच्चे साथ निभावेंगे तो बाप नहीं साथ निभावेंगे, धोखा दे देंगे। जब पढ़ने पे साथ निभावेंगे हर एक को अपना स्वार्थ होता है। इस दुनिया में ऐसी एक भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा नहीं है जिसको अपना स्वार्थ न हो। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। एक आत्मा ऐसी है जिसको अपना रथ ही नहीं है, तो उसको अपना स्वार्थ भी नहीं। तो तुम जितनी सेवा करोगे उतना वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। तुम सेवा नहीं करोगे ठेंगा दिखाओगे तो साथ नहीं देगा। दुनिया में भी बाप होते हैं, जो बच्चा ज्यादा दुकान संभालता है घर संभालता है उस बच्चे को प्यार तो करेंगे ना। बाकी शिव बाबा के तो 500 करोड़ बच्चे हैं, 500-700 करोड़ शिव के बच्चे हैं, वो सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, भले नंबर वार मिलती है लेकिन देता सबको है। अब ऐसे भी नहीं कि सूर्यवंशी आत्मा ही सेवा करेंगी, ईश्वर का संदेश देने की सेवा सिर्फ सूर्यवंशी आत्माएं ही करेंगी कि और धर्म की आत्माएं भी करेंगी? अरे सभी धर्म की आत्माएं अपने अपने फॉलोअर्स को संदेश देंगी कि भगवान आया हुआ है। जो पावरफुल आत्मा है वो पहले पहचानती है, धर्म पिताएं पहचानेंगे, धर्म पिताएं जिसमें प्रवेश करते हैं वो और पहले पहचानेंगे। धर्म पिताओं का जो आधार है उनको जो जन्म देने वाला बाप है वो उनसे भी पहले पहचानेगा, और सो बाप का भी जो बाप है पर बाबा दाडे जिसको कहते हैं वो सबसे पहले पहचानता है। तो जो पहचानेगा उसका फर्ज बन जाता है दूसरों को संदेश देना। तो दूसरे धर्म की आत्माएं भी संदेश तो देती हैं, तो क्या बाप से उनको वर्षा मिलता है सुप्रीम सोल से स्वर्ग का? सुप्रीम सोल से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को वर्षा मिलता है? क्यों नहीं मिलता? सुप्रीम सोल तो बाप नहीं है उनका। सुप्रीम सोल उनको वर्षा नहीं देगा, ये मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो उनको वर्षा देगा। उनमें राजधानी स्थापन करने की सिफ्त ही नहीं है,
उन धर्म पिताओं में राजधानी स्थापन करने की ताकत ही नहीं है, उन्होंने वो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है कि राजधानी कैसे स्थापन की जाती है। तो आप ही तरस पर हुए, मनुष्य सृष्टि के बाप को ही उनको सहयोग देने के लिए आना पड़ता है उनकी राजधानी स्थापन करने के लिए। जिसे नाम पड़ गया बाबर, क्या रह बाबर रह, तो मुगलों का डायनेस्टी का स्थापन करने वाला कौन हुआ? बाबर हुआ। और महाभारत में अभिमन्यु को चार चक्र तोड़ते हुए दिखाया और आठवां नहीं तोड़ पाता, इसका क्या? अभिमान मनुष्य आत्माओं के सामने टिकेगा कि भगवान के सामने टिकेगा? अभिमान का, अभिमानी का अभिमान मनुष्य आत्माओं के सामने टिक सकता है कि भगवान के सामने टिक सकता है? मनुष्य आत्माओं के सामने टिक सकता है। अहंकार को, अभिमान को भगवान तो खाता है। जिसको भगवान का टाइटल मिलता है वो अहंकार को ही खा जाता है। तो उसका नाम ही क्या है? अभिमन्यु। शब्द कौन सा है? अभिमान से बना अभिमन्यु। उसको अभिमान रहता है देह का, मेरा मामा भगवान, मेरा बाप बड़ा धनुर्धारी, ये देह का बाप है, ये देह का मामा है, ये आत्मा का मामा है, देह का मामा है, देह का बाप है। यानी सुप्रीम सोल को नहीं पहचाना। जब सुप्रीम सोल को नहीं पहचाना तो कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाएगा। अटक जाता है, है? है? क्या लौटेंगे? क्या क्या लौटेंगे? लौटेंगे नहीं, क्या इसके बाद लौटेंगे नहीं? ये जो आपके मतलब इसके लिए जो श्यामू भाई की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये तो नाम तो किसी का नहीं लिया, ये तो आप गुमताड़ा भिरा रहे हैं। ये अनुमान लगाना तो ये आपका काम है, अनुमान से नुकसान भी हो सकता है। है? बाप किसी का पार्ट बताते हैं क्या कि तुम्हारा ये पार्ट है? और दो चार मिनट है, जल्दी करो। बाबा ये शब्द आया शिव बाबा, तो बाबा का तो अर्थ होता है मौजूद, मौजूद बाबा का अर्थ होता है मौजूद। हाँ बिल्कुल, बाबा माने ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर जो है वो देहधारी का ही नाम है और वो तो आत्माओं का बाप है। जो आत्माओं का बाप है वो देखने में ही नहीं आता है, जो आत्माओं का बाप है वो देखने में ही नहीं आता है। तो हाजरा हुजूर कैसे कहेंगे उसको? हाजरा हुजूर नहीं कह सकते। हाजरा हुजूर वो तब है जब कोई शरीर में प्रवेश है, तब हाजरा हुजूर कहा जाएगा। तो दो शब्द हैं, शिव और बाबा। शिव मेरी बिंदी का नाम है, बिंदी छोटी सी छोटी लगाई जा सकती है, अति सूक्ष्म बिंदी हो सकती है, इतनी छोटी बिंदी हो सकती है जो आंखों से दिखाई भी ना दे। आंखों से तो छोड़ो, जो डॉक्टरों के पास यंत्र होते हैं उन यंत्रों से भी न दिखाई दे, इतनी छोटी बिंदी, इतनी सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म है शिव।
फिर नंबरवार। और जो जितना ही सूक्ष्म है वो परमधाम में उतना ही परे होकर रहेगा। देवात्माएं सुप्रीम सोल के नीचे ही रहेंगी, सुप्रीम सोल के स्तर तक नहीं जा सकते। फिर और धर्म की आत्माएं 33 करोड़ देवात्माओं के नीचे ही रहेंगी, उनसे ऊपर नहीं जा सकते। नास्तिक धर्म की आत्मा सबसे नीचे ही रहेंगी, क्योंकि वो भगवान को पहचानने में बहुत देर कर देती है। जब ताबड़ तोड़ एटम बम फटेंगे चारों तरफ, सर के ऊपर डंडा बजने लगेगा, इस शहर में विनाश हुआ, इस शहर में विनाश हुआ, इस गांव में विनाश हुआ, इस गांव में एटम बम गिरा, अब तो हम भी मरे, तब कहेंगे ओ गॉड फादर। तो पहचानने में सबसे नीचे, इसलिए बुद्धि में भी कम है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है उतनी। उसके बाद नंबर आता है पशुओं का, उनकी भी तो आत्माएं हैं, वो आत्माएं मनुष्यों की आत्माओं से परे होंगी या नीचे होंगी, वो तो नीचे ही उनका स्थान होगा। पशु हैं, पक्षी हैं, फिर उसके बाद कीड़े मकोड़े, उनमें बुद्धि और कम होती है। उसके बाद नंबर लगेगा पेड़ पौधों का, ऐसे नहीं पेड़ पौधों में आत्माएं नहीं होती है, उनमें भी आत्मा होती है। पेड़ की दाई ओर की एक जड़ काट दो, ऊपर की दाई ओर की डाली सूखने लगेगी। तो है ना जान, है बताया कि परम धाम में ऊंच नीच का कोई भेद है, नीचे जो आत्मा है उसके ऊंच नीच का भेद होता है? भेद तो तब हो जब वहां बुद्धि चले नीच और ऊंच की, वहां आत्माएं जड़वत रहती हैं या चैतन्य होकर रहती हैं, वहां मन बुद्धि चलती है, वहां ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, बुद्धि चलती ही नहीं तो ऊंच नीच का सवाल ही नहीं। ये कोई सोच ही नहीं सकता कि कौन ऊंच कौन नीच, ये यहां आकर के समझा जाता है कि कौन सी आत्मा ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा। परमधाम में थोड़े कोई सोचेगा बैठ करके कौन ऊंच कौन नीच। बाबा अभी मुरली में आया है कि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करना है, ये प्रैक्टिस यहाँ ही करना है, है? एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करना है। हाँ, इतनी ताकत इकट्ठी करो, इतनी मन बुद्धि की एकाग्रता तो पहले तय हो अंदर, मन बुद्धि इतनी एकाग्र हो कि ये शरीर अलग दिखाई पड़े और आत्मा अलग देखने में आए। जब इतनी ताकत होगी कि अपना शरीर अलग दिखाई पड़े और आत्मा अलग देखने में आए, तब दूसरों में प्रवेश करेंगे, फिर एक में प्रवेश करेंगे, फिर दूसरे में प्रवेश करेंगे। शूटिंग तो करेंगे ना, अभ्यास तो करेंगे ना। अजी शूटिंग करेंगे वही अभ्यास हो गया, ये शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है ड्रामा की, इसको अभ्यास नहीं कहा जाता। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जैसे ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जैसे ये शरीर है ऐसा ही दूसरा सूक्ष्म शरीर है जिसमें मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ। वो दूसरा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बगैर स्थूल शरीर हो ही नहीं सकता। बाहर में सूक्ष्म शरीर के साथ होते हैं, डिटैचमेंट के लिए ऐसा अभ्यास कब तो कर सकते हैं, डिटैचमेंट के लिए ऐसा अभ्यास तो कर सकते हैं। तो अभ्यास कर ही रहे हैं सभी यही तो अभ्यास कर रहे हैं कि शरीर को छोड़ हम परम धाम वापस आवे। और ओम शांति।
उन गुरुओं की सभा में तो ये परमिशन नहीं दी जाती है कि जो चाहे सो प्रश्न करो। ये तो भगवान के बच्चों की सभा है, इसमें सबको खुली छूट है। ज्ञान के बारे में जो भी प्रश्न पूछने हो सो पूछो। बाबा राम वन से आए, जब बाद में किया को बर्बाद कर। राम वन से आए, वन से आए माने जंगल से आए। जंगल में फूल होते हैं या बगीचे में फूल होते हैं? जंगल में कांटे होते हैं या फूल ही फूल होते हैं? फल फूल है, कांटे ज्यादा होते हैं। तो वो जंगल में राम नहीं गए थे, ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। वो राम वाली आत्मा जन्म बाई जन्म लेते लेते द्वापर कलयुग के अंत में जब आती है तो इस कांटों के जंगल में चक्कर लगाती है, महलमाणियां छोड़ देती है। महलमाणियों अटारियों में उसको रहना नसीब नहीं होता। वो रामायण में गायन है कि 14 साल का वनवास हुआ, और महाभारत में गायन है कि 12 साल का पांडवों को वनवास हुआ। हुआ कि नहीं? अरे 14 साल का राम का वनवास, 12 साल का पांडवों का वनवास, 13वीं साल उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा और 1 साल युद्ध में चला गया, वो भी 14 साल हो गए। वास्तव में रामायण कोई त्रेता युग में नहीं हुई है, रामायण का युद्ध त्रेता में नहीं हुआ। त्रेता युग का तो कितना सुंदर वर्णन है कि त्रेता युग में राम राज्य था, वहां आत्माएं 14 कला संपूर्ण होती है, सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती है, द्वापर में 8 कला संपन्न आत्माएं होती है, वहां भी कोई इतने युद्ध आदि नहीं होते, हिंदुस्तान के ऊपर विदेशियों के आक्रमण नहीं होते। कलयुग कलाहीन गाया हुआ है, ये कलयुग है कांटों की दुनिया। इस कांटों की दुनिया में राम की आत्मा को कांटे ही कांटे लगते हैं, दुख ही दुख व्याप्त है। वो 12 साल का वनवास गाया हुआ है, वो 12 साल का वनवास कौन सा है वो समझने के लिए वहां भट्टी करो जाकर के 7-8 दिन की, तो समझाया जाएगा कि वो 12-14 साल का वनवास कौन सा है और वो कब तक वनवास में रहेंगे, कब पूरा होगा। वो रामायण काल भी अभी चल रहा है प्रैक्टिकल में, वो महाभारी महाभारत युद्ध का काल भी अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। कहते जब महाभारत युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ में भगवान आए, ये शरीर ही रथ है, ये इंद्रियां ही घोड़े हैं, मनुष्य के बस में ये इंद्रियां रूपी घोड़े नहीं है, ये इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हैं। तो भगवान आकर के
अर्जुन के इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं उनकी बुद्ध रूपी लगाम पकड़ करके। ये रूपक दिखाया है, ये प्रतीकात्मक भाषा है कवियों की। इस भाषा को कै समझे कवि जिसने वो कविता लिखी है, रामायण और महाभारत व्यास ने और तुलसीदास ने। कै समझे कवि और कै समझे रवि। रवि माने ज्ञान सूर्य भगवान जब इस सृष्टि पर आ जाता है तो इसका सही अर्थ बताता है कि राम को कौन सा कांटों के जंगल का वनवास हुआ था और कौन से रावण को मारा था। दस सिर का कोई आदमी दुनिया में देखा? अगर दुनिया में हुआ होता तो वंश परंपरा पे अभी भी होना चाहिए। दस सिर के आदमी की वंश परंपरा में दस सिर का आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दस सिर का आदमी नहीं होता है। दस सिर का मतलब दस प्रकार की बुद्धि मिलकर के एक दुनिया चलाते हैं। दुनिया के जो दस धर्म फैले हुए हैं आज सारी दुनिया में, ये दसों धर्म रावण राज्य हैं। देवता धर्म जो आज हिंदू धर्म कहा जाने लगा, इस्लाम धर्म, बौद्धी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज और दो छोटे छोटे और जैसे नास्तिक रशिया के, ये दस मुंडों का राज्य चल रहा है दुनिया में। इस दस मुंडों को फॉलो करने वाले हैं रावण संप्रदाय। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है। कहते हैं लंका के चारों ओर समंदर था। अरे वो लंका की बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर समंदर है। सारी दुनिया में रावण राज्य है, देवताओं का कोई राज्य नहीं, राक्षसों का राज्य है। और वो राक्षस घर घर में बैठे हुए हैं दुख देने वाले। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को। रावयते लोकान इति रावण, संस्कृत में व्याख्या है रावण की। जो दुनिया को रुलाता है उसे रावण कहा जाता है। कौन सा घर है जिसमें बच्चे रोते नहीं हैं, घर परिवार के सदस्य रोते नहीं हैं? कोई घर हो तो बताओ। अरे दुनिया में कोई घर ऐसा है? अरे बच्चा पैदा होता है तभी रोता है, रोते रोते पैदा होता है, तो उसकी सारी जिंदगी रोते रोते ही गुजरेगी ना, जो आदि सो अंत। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो बीज डालता है बच्चा पैदा करने के लिए, उस समय औरत को बड़ा दुख होता है, आदमी भी निस्तेज हो जाते हैं करके सो जाते हैं, कोई ताकत नहीं रहती। वो निस्तेज वो रावण राज्य पैदा करेगा। देवताएं तो आत्म की स्थिति वाले होते हैं, आत्म की स्थिति से बच्चे की पैदाइश होती है, दृष्टि के प्यास से बच्चे पैदा होते हैं, मुख के प्यास से बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मोर है, मिसाल आज की दुनिया में मौजूद है, मोर भ्रष्ट इंद्रियों के विकार से बच्चे पैदा नहीं करता। मोर जब नाचता है
तो अपने गंदे पांव टेढ़े मेढ़े पांव को देख करके रोता है, उस आंसू को मोरनी पी लेती है, उसी से बच्चा पैदा हो जाता है। वो शेष अंग की पैदाइश है मोर, इसलिए आज भी भारतवर्ष में मोर भारत की राष्ट्रीय चिड़िया मानी जाती है। अगर कोई मोर को बंदूक मारते हुए पकड़ लिया जाए तो उसको वही सजा होगी जो आदमी को मारने की सजा होती है, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये मोर पंख भगवान के मस्तक में लगाया जाता है। वो देह अभिमान की पूछ है, जो देह अभिमान की पूछ बड़ी सुंदर लगती है। मनुष्यों के अंदर तो देह अहंकार होता है, वो देह अहंकार बहुत दुख देता है। उस देह अहंकार से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार उगरते हैं। तो ऐसे नहीं है, कि राम को 14 साल का कोई स्थूल का वनवास दिया गया, ये वेद की बातें हैं। भगवान आकर के वेद की बातें सुनाते हैं। उन कवियों ने जो कविता की है उस कविता का उल्टा अर्थ लगाया है लोगों ने। भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा वेद शास्त्रों का सार खोलते हैं और वेद शास्त्रों का सार खोल करके नई दुनिया की रचना रचते हैं। नए ज्ञान से नई दुनिया रची जाती है। शास्त्रों का पुराना ज्ञान 2500 साल से सुनते सुनते ये दुनिया नरक बनती है, नहीं तो भगवान के आने का कोई मतलब ही नहीं। अगर शास्त्रों के ज्ञान से ही दुनिया का उद्धार हो जाए तो भगवान को फिर क्या आने की दरकार। जरूर भगवान आवेगा तो नई बातें बतावेगा। जिन नई बातों का काट दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं है कि 10 सिर का कोई रावण था और उस रावण को मनुष्यों की सेना मिल गई और भगवान को बंदरों की सेना मिली। अरे बंदरों की सेना नहीं ली, कलयुग में आकर के मनुष्य बंदरों की तरह विकारी हो जाता है, बंदर बुद्धि बन जाता है, चंचल बुद्धि बन जाता है। बंदर में काम विकार सबसे जास्ती होता है। पेड़ की टुंगस में बैठ करके दम बंदरिया के साथ विकार भोगेगा। कुत्ते तो उससे भी अच्छे हैं, इतना विकारी होता है। नहीं तो मनुष्य सबके सामने विकार नहीं भोगते हैं, कितना विकारी है। क्रोध इतना होता है कि बंदर आपस में जब लड़ेंगे तो बड़ा बड़ी सी गेंद बन जाती है, एक दूसरे के ऊपर चिपटते चले जाते हैं। उनके सामने अगर छोटे छोटे डंडे फेंक दो फिर देखो डंडों से कैसी एक दूसरे की पिटाई करते हैं। लोभ इतना होता है कि उनको पकड़ने के लिए एक हंडी, मिट्टी की हंडी, हांडी छोटे मुंह वाली, उसमें चने रख दिए जाते हैं। वो अपना हाथ मुट्ठी डाल देगा हंडी में, भले पकड़ा जाए लेकिन वो मुट्ठी नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक वो हंडी फूट न जाए। इतना लोभ होता है, मोह इतना ज्यादा होता है कि बंदरी का बच्चा अगर मर जाएगा तो महीने भर तक वो खाकर को
पेट से लटका के चिपकाई रहेगी। बाबा कहते हैं आज के मनुष्य तो उनसे भी बदतर हो गए। स्त्री का पति मर जाता है तो साल भर तक हाय दैया तोबा मचाए रहे, भूलती है। अहंकार इतना ज्यादा होता है कि हाथी सामने से गुजरेगा, इतना बड़ा हाथी, छोटा सा बंदर टुइया, उसको भी कर उसको भी घुड़की मारेगा। तो बंदरों का मिसाल दिया गया है, ऐसे नहीं राम ने कोई बंदरों की सेना ली। हाँ जी, और ये बात समझ में आई कि रामायण का काल अभी चल रहा है, बाबा महाभारत राम अभी की बात है, पांच पांडव अभी हैं दुनिया में, महाभारत अभी युद्ध सामने खड़ा है भारतवर्ष के अंदर, वो बड़ा युद्ध होने वाला है। ऐसे नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ही होगा, ये छोटे बड़े देश सारे उस युद्ध में कूद पड़ेंगे, चीन जापान बर्मा मलाया नेपाल, बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। इसलिए इसका नाम है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। भारत में जितनी जातियां हैं और जातियों को लेकर जितना विद्वेष फैला हुआ है, जितनी लड़ाई मारामारी हो रही है, उतनी दुनिया के कोई देश में नहीं है। भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां दुनिया के कोई देश में नहीं है, और सभी राजनीतिक पार्टियां मारामारी कर रही हैं। दिल्ली के संसद भवन में वहां कुर्सियां उठा उठा के फेंकी जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, जूते फेंके जाते हैं, ये हालात हुए पड़े हैं राजाओं के, जो हमारे ऊपर आज राजा बन के बैठे हैं। यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। तो भारत में जितनी भाषाएं फैली हुई हैं और भाषाओं के आधार पर जितना झगड़ा फैला हुआ है भारत में, इतना झगड़ा कोई देश में नहीं है। छोटा सा भारत देश और ढेर की ढेर भाषा है। इतना राज्यवाद, मेरा आंध्रा, मेरा महाराष्ट्र, मेरा कर्नाटक, मेरा मलयालम, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा बंगाल, मेरा पंजाब, ये राज्यवाद जितना भारत में फैला हुआ है और राज्यवाद को लेकर के जितना आपस में टक्कर हो रही है, इतनी टक्कर दुनिया के कोई भी देश में नहीं है। भारत के अंदर आग सुलग रही है, आग, और अमीरों और गरीबों का क्या हाल है? सबसे ज्यादा गरीब हो रहे हैं यहाँ के किसान, जिन किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बड़े बड़े कल कारखाने बनाते चले जा रहे हैं विदेशियों की नकल कर करके, यहाँ का किसान गरीब होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, रईस रईस होते जा रहे हैं। तो गरीबों और रईसों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, ये अति हो जाएगी तब क्या होगा? अंत हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। पांच छह साल से अकाल बढ़ता चला जा रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन भारत की सरकार अकाल घोषित नहीं कर रही है, बेटी समझते हैं अपनी। ये अकाल बढ़ते बढ़ते दो चार साल में इतना हो जाएगा
कि लोगों को पानी की बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी। 6-8 साल में देखो कैसा नजारा सामने आ जाता है। तो मारामारी नहीं हो जाएगी? जो भूखे बिलकते लोग होंगे वो रईसों के ऊपर आक्रमण नहीं कर देंगे? ये पुलिसिया राज्य, पुलिस के आधार पर आज राज्य चल रहा है। पुलिस को हाथों किया हुआ है बड़े बड़े नेताओं ने, पुलिस से गुंडों का काम करवाते हैं। वो राज्य कब तक चलेगा? सारे उल्टे काम होते रहते हैं, कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं, किसी को कुछ कहने वाला नहीं। सारे देश में अंदर ही अंदर अराजकता फैली हुई है, ढेर के ढेर कायदे कानून बनाते चले जा रहे हैं। सीधी साधी पब्लिक को कायदे कानूनों का कोई पता ही नहीं, उन कायदे कानूनों की वजह से उनको अपने वकील रखने पड़ते हैं, वकीलों की पौवारा हो गई। इतने कायदे कानून है कि वकीलों को भी पता नहीं है उन कायदे कानूनों का। तो महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, ये राम रावण युद्ध सामने खड़ा है। तो जरूर राम और राम संप्रदाय कांटों के जंगल में होगा। ये देवासुर संग्राम सामने खड़ा है, ये देवताओं और असुरों की कहानी है। देवताएं भगवान को मानने वाले होते हैं, और जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, वो भगवान को भी नहीं मानते, परवाह नहीं करते उसकी। इसलिए अंधेरे में नहीं रहना है। इन मनुष्य गुरुओं ने तो अंधेरे में डाल दिया, वही पुरानी पुरानी शास्त्रों की बातें सुना सुना के। 2500 साल हो गए शास्त्रों की बातें सुनते सुनते। दुनिया नीचे गिरी है, मेंटलिटी नीचे गिरी है, मनसा नीचे गिरी है या ऊपर उठी है? मन बुद्धि में विकार ही रमण करते रहते हैं, इतनी हालत खराब हो गई। इसलिए भगवान को पहचानो, भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, भगवान अपने बच्चों के ऊपर छत्र छाया माफक खड़ा हुआ है। मुसलमान लोग भी इस बात को मानते हैं कि जब कयामत होगी, विनाश होगा, तो भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। भगवान उनकी रक्षा करेगा। और मानेंगे खाते महाभारत और रामलीला के ऐसी चल रही, जो कृष्ण ही सब भगवान, उनको सिर्फ बाबा कोई भगवान बना दिए, और असर इनकी बच्चा के शादी बता रहे, जब पब्लिक मानेगी खाते। क्या हुआ? जैसे राम और कृष्ण ने भगवान के भी बना दिए, सब भी मानने भगवान भाई को। अरे भगवान बहुत होंगे कि एक होगा? जब तो ना मानने तो माने ना, भगवान तो एक ही होगा ना, कृष्ण ही मानने, भगवान बहुत कहाँ से हो जाएंगे? भगवान तो ये है, बहुतों को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी या एक को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी? एक को याद करेंगे तो बुद्धि को ठिकाना मिलेगा। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, भगवान सब में है, हम में है, तुम में है, कणकण में है, कीड़े मकोड़ों में है, तो बुद्धि भटक जाएगी या एकाग्र होगी? बुद्धि भटक जाएगी, ये उल्टा ज्ञान है।
भगवान निकट ऐश्वर्य गुरु माने जो चीज दिखाई पड़ती है वही उसी को मानोगे, जो नहीं दिखाई पड़ती है उसको नहीं मानोगे है। अभी बताया मलेरिया बुखार जिसको आता है उसके एक बूंद खून में सैकड़ों कीटाणु होते हैं, नहीं दिखाई पड़ते तो नहीं मानोगे। अरे मानोगे कि नहीं मानोगे है, नहीं मानोगे। वो डॉक्टर दिखाएगा ले ये यंत्र तो मानोगे कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान इस सृष्टि पर आता है, वो तुमको तुम्हारी आत्मा दिखाता है। तुम आत्मा हो, जिस आत्मा की रोशनी आंखों में से निकल रही है, ले देखो ये आत्मा निकल जाएगी तो आंखें बटन, आंखों में रोशनी नहीं रहती है। इसका मतलब आत्मा है या नहीं है? आत्मा की जो रोशनी है वो ही आत्मा है। बाबा सीता माता ने शंकर बाबा धाम में करती है। सीता माता, सीता माता ने, सीता माता ने, सीता माता, सीता माता ने शंकर बाबा धाम में करती है। शंकर बाबा को दान दिया। अरे अन्नपूर्णा की बात है कि अन्नपूर्णा देवी जो है वो शंकर को दान देती है, भिक्षा देती है। वो अन्नपूर्णा कोई दूसरी नहीं है, जगदम्बा ही है। जो जगदम्बा भोगों का दान देती है, ये दान कोई ने देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो कोई ने नहीं दिया वो जगदम्बा ने दिया। वो है अव्वल नंबर सीता, उसको कहते हैं तुलसी। भगवान को जब भोग लगाते हैं तो पहले किसका भोग लगाते हैं? तुलसी पत्र डालते हैं, तब तक भोग नहीं माना जाता। वो तुलसा माता कोई दूसरी नहीं है, ये जगदम्बा ही तुलसा माता है। वो अर्पण में होती है भगवान के प्रति तो ढेर की ढेर कन्या माताएं अर्पण हो जाती है। इसलिए अन्नपूर्णा के रूप में गायन है सीता का। और पवन देव को देव कैसे माने जा? पवन को पवन देव, पवन माने हवा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच तत्व हैं। ये पांच तत्व रावण के पांच मुख भी हो जाते हैं कलयुग के अंत में, माने तमो प्रधान बन जाते हैं। हवा जब प्रकोप करती है, पवन देव जब प्रकोप करते हैं तो आंधी आती है। आंधी कितना फसल का नुकसान कर देती है, सारे धान बिखर जाते हैं, और ऊपर से बरसात पड़ती है तो सड़ जाते हैं। तो वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच देवताएं जो है वो चैतन्य में भी हैं, लेकिन बुद्धि कलयुग के अंत में आकर उनकी जड़त्व भूमि मई बुद्धि बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। उनमें से एक देवता का नाम है पवन देव, हवा, पवन का पुत्र हनुमान कहा जाता है। और क्या कहा इसने बच्चे ने? जोर से बोले ने, कृष्ण मुनि का रूप धर के आयो, जब देवतान की इमरत के पुरायो, दानवंश के पुरायो।
इमरत कब आया मतलब मोहनी को रूप धरता हो कृष्ण समय अमृत जो है देवताओं को ही क्यों बांटा गया कहते हैं विष्णु भगवान है वो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया स्त्री चोला धारण किया तो पहले समझना पड़ेगा कि विष्णु कोई चार भुजा का आदमी नहीं होता है जैसे दस सिर का रावण नहीं होता है कोई आदमी ऐसे ही चार भुजा वाला कोई आदमी नहीं होता है होता होता तो उसके वंश में आज चार भुजाओं वाले पैदा होते होते भुजा कहा जाता है मददगार को कहते हैं हमारा भैया खत्म हो गया हमारी दाहिनी भुजा चली गई भुजा माने मददगार तो भगवान के कार्य में विष्णु के रूप में चार भुजा रूपी आत्माएं मददगार बनती हैं वो चार भुजाओं के नाम है राम सीता और लक्ष्मी नारायण सतयुग के लक्ष्मी नारायण और त्रेता के राम सीता ये चार आत्माएं भगवान के कार्य में विशेष मददगार बनती हैं सहयोगी बनती हैं इसलिए उनको भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं उनमें से जो लक्ष्मी है वो मोहिनी का रूप धारण करती है सबके दिल को मोह लेती है देवताओं के दिल को भी मोह लेती है तो राक्षसों के दिल को भी मोह लेती है वो लक्ष्मी और नारायण अभी प्रकट होने वाले हैं लक्ष्मी प्रकट होगी तो सबके दिल को मोहेगी लेकिन ज्ञानामृत किसके पल्ले पड़ेगा ज्ञानामृत सिर्फ देवताओं के पल्ले पड़ेगा असुर चोरी छिपे चोरी चकारे से भले उस ज्ञान को ले लें लेंगे भी तो भी उनका सर काटा जाएगा राहु केतु जैसे राक्षस बन जाएंगे देवताओं को इसलिए देते हैं कि देवताएं किसी को दुख नहीं देते और राक्षस क्या करते हैं है? सबको दुख देते इसलिए ये जिंदा बने रहेंगे अमृत पी लेंगे तो सारी दुनिया को खा जाएंगे इसलिए इनको अमृत नहीं देना है किनको राक्षसों को किसको देना है देवताओं को देवता माने जो देने वाला हो दूसरों को देते हैं किसी से लेने की इच्छा नहीं करते हैं और राक्षस हौ 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 इनका भी हमारे पास आ जाए इनका धन भी हमारे पास आ जाए सब ले लो और बाबा सब देवताओं की पूजा हो इंद्र की पूजा क्यों नहीं हो सब देवताओं की पूजा हो इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं किसकी इंद्रदेव की हाँ इंद्रदेव में ईर्ष्या कितनी भरी हुई है कोई तपस्या करना शुरू करेगा बस अरे ये हमारा स्वर्ग जीत लेगा मारा डरपोक के कहेगा ऐसे डरपोकों की पूजा होनी चाहिए है जब अकाल पड़ता है तब इंद्रदेव की पूजा करते हैं ऐसे तो कोई नहीं करता और बाबा अज्ञातवास में क्या हुआ अज्ञातवास में क्या हुआ पांडव गुप्त हो गए छुप गए कौरवों को पता ही नहीं चला कहाँ गए ऐसे ही अब होगा क्या अभी तो तुम्हें पांडवों के द्वारा ज्ञान सुनने को मिल रहा है फिर वो पांडव और पंडा साहब छुप जाएंगे अव्यक्त हो जाएंगे जैसे देखने में भी नहीं आएंगे और
बाबा कृष्ण ने बच्चा क्यों बताया है? बच्चा क्यों दिखलाऊं कृष्ण ने? कृष्ण बच्चा क्यों दिखलाऊं बाबा? खड़े होकर बोल दो, थोड़ा सा सबको आवाज पड़े। ये देवता है आजकल जो पूजे हाँ चारों तरफ, भूत है वो, ये तुम्हें पता भी है? लेकिन इलाज कैसे करते हैं? ये भूत है, भूत सांप बोल रहा खा जाते, बता लेगा ये? हाँ ये भूत खा जाते हैं। नहीं जैसे आपको सांप खा ले वो, आपको सांप काट ले अब, हाँ कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? दवाई बचाएगी, डॉक्टर दवाई देके इंजेक्शन देके बचा देते हैं। नहीं बचा सके वो जो बचाते हैं, वो किसी को बचाते हैं किसी को नहीं बचाते हैं। डॉक्टर का बचाया हुआ आज तक कोई हो तो बताओ उनकी। अरे तुम पहले आकर के यहाँ 7 दिन का कोर्स लो, तब समझोगे तुम्हारी बात। तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ऐसे ऐसे बीच में एक तो पहले ये बताओ, इस स्कूल का नियम है जब तक 7 दिन का कोर्स न ले तब तक आके न बैठे। तुमने स्कूल का नियम क्यों तोड़ा? हम जो पूछ रहे हैं सो बताओ। तुमने प्रश्न कर रखा है, पूछो तो पूछ ली। प्रश्न कहाँ किया हमने आपसे? बाकी तो और कोई पूछो है, इतना भी पूछो तुम। हमने उनसे कहा जो साप्ताहिक कोर्स किए हुए हैं, तो सभी के लिए बोला है। हाँ इन लोगों ने जिन्होंने जिनको जिनको साप्ताहिक कोर्स करा दिया। मैं पूछी यार बात बताओ ना, आज तक कोई डॉक्टर ने बताया कोई जिनको चलो तुम्हें बीसियों बता देंगे ऐसे प्रमाण, जो डॉक्टरों ने इंजेक्शन देके काले सांप का विष दे करके जो सहज सांप होता है उसके विष को खत्म कर देते हैं। अब तुम्हें पता नहीं है इस बात का, तुम भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हो। गीता में लिखा हुआ है जो मेरे उपासक, सुन लो, जो मेरे उपासक हैं वो मेरी पूजा करते हैं, मेरे से प्राप्ति करते हैं। जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं से प्राप्ति करते हैं। जो भूत प्रेतों के उपासक हैं वो भूतों से प्राप्ति करते हैं और जन्म जन्मांतर भूत प्रेत बनते हैं। तो यहाँ के कैसे बता रहे हैं? तो तुम भूत प्रेतों की पूजा करो, हम नहीं करेंगे, हम भगवान को मानेंगे। तुमको भूत प्रेतों की पूजा अच्छी लगती है, करो करो। और अलग काल को सब तो भगवान ने ये भाई करो, भगवान ने कर रहे हैं, भगवान ही बता रहे हो। हाँ 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 और भाई तो बाबा ये भगवान ही बुई तो बता रहे हो, बताई देवता।